आइए दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं कि पाइनएप्पल से कैसे पेल बनाया जाए। ये देखिए, मैंने एक वो लिया, पाइनएप्पल के ऊपर जो पत्ते निकले रहते हैं, यहाँ से पाइनएप्पल लगाया जाता है, इसको मैंने तोड़ लिया है और इसको आप भी ऐसे तोड़ सकते हैं। और इसको मैंने तोड़ने के बाद इसके देखिए, इसके यहाँ से मैंने कुछ पत्ते छील लिए, इसको इस तरह का मैंने कर लिया, इसके पत्ते मैंने कुछ निकाल दिए इसके, और यहाँ से मैंने थोड़ा इसको देखिए छील लिया है, ये जो ये पोर्शन है ये वाला, यहाँ से पत्ते निकलने के बाद थोड़ा सा आप इसको छील लेंगे चाकू के माध्यम से। ये देखिए मैंने छीला हुआ है इसको, ये देखें आप, ये देखिए थोड़ा सा छीला हुआ है, आप देख सकते हैं। और छीलने के बाद आप इसको किसी एक डब्बे में आप डाल लें, ये इतना पोर्शन इसका पानी में डूबाया है। और मैंने इसको डाला था आज, इसका ये 6 दिन हो गए हैं इसको डाले हुए, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसमें इस तरह ही काट के डाला था। अभी अब देखिए आप, इसमें ये जो डालने के बाद इसमें हल्की हल्की आपको जड़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये जड़ें अभी मैं इसको एक हफ्ते और पड़ा दूँगा, मतलब टोटल 15 डेज चाहिए होगा मुझको, इसमें अच्छी खासी जड़ें निकल आएंगी, फिर मैं इसको किसी गमले में लगा दूंगा। बस पाइनएप्पल का पेड़ तैयार, और ये इसकी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इसमें दो डब्बे में दो डाले हुए हैं, एक देखिए ये है, ये देखिए इसमें भी हल्की हल्की जड़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इसको आप चाकू से हल्का सा ऊपर से छील देते हैं, ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो पानी में कंटेक्ट में तुरंत आने से इसमें जड़ें आ जाती हैं, और ये इस तरह पाइनएप्पल का पेड़ तैयार हो जाएगा मेरा ये, और नेक्स्ट ईयर इसमें पाइनएप्पल आएगा। आप भी इसी तरह पाइनएप्पल का पेड़ तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है।